Today we will be discussing another very important resource that nature has provided us, that is forest resource. So what is a forest? The forest word basically is derived from a Latin word, that is forest means outside. Basically in Latin we have arrived forest, like it is outside the fence of a village or outside the fence of a farmhouse or house. So पहले पहले ज़माने में जब उतनी population नहीं हुआ करती थी तो fence के बाहर usually जो मकान बनाए जाते थे, that why in the forest resource type, जब उतना deforestation नहीं हुआ करता था. तो धीरे धीरे ये term evolve हो गई and then it get converted into the forest and then it means forest means in Latin outside. So it is one of the most important resource, forest. Basically hamara jitna bhi earth hai to isse pehle humne bataya tha water resources are three fourth of the earth is covered by water. So only one third jo hai is covered by the land resources. And in the land ye hamare paas lithosphere hai. अभी लिथोस्फीयर में भी फॉरेस्ट तकरीबन हमारे पास प्रेजेंट है अराउंड 40 बिलियन हेक्टर्स. देयर आर 40 बिलियन हेक्टर्स ऑन एन एवरेज इन द वर्ल्ड. फॉरेस्ट एरिया जो है वर्ल्ड में 40 बिलियन हेक्टर्स, दैट इज अराउंड वन थर्ड ऑफ द टोटल लिथोस्फीयर जो एरिया है हमारे पास. जितना भी लिथोस्फीयर जो कॉन्टिनेंट्स है, चाहे वो साउदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इसके जो वन थर्ड पोर्शन है दैट इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट्स. और अगर हम ओवरऑल अर्थ का देखेंगे देन इट्स अराउंड 9.5% ऑफ टोटल अर्थस जो शेयर है दैट इज कवर्ड बाई द फॉरेस्ट्स. ये था ब्रीफ अबाउट द स्टैटिस्टिक्स अबाउट द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट्स. और तो फॉरेस्ट जो है इट प्लेज एन वेरी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रोल जो है कंट्री में, या बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो हमारी ट्राइबल्स है या अदर इथनिक ग्रुप्स है दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट्स. आई मीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट. जब हम अर्बन एरियाज में रहते हैं वी आर नॉट सो क्लोज टू द फॉरेस्ट्स, बट जो directly benefit gain करते हैं. We are also directly and indirectly dependent on the foresters. वो हम आगे जाके discuss करेंगे कि क्या issues है. तो foresters का हम जो भी humans है तो हमारी economy पे, किसी भी country की economy पे इसका direct impact होता है foresters का, चाहे वो in terms of products, चाहे in terms of various ecosystem services हो, nutrients हो, या water hydrological cycle हो, इसका जो है directly इस पर dependent जो भी country की economy होती है. तो उसके अलावा जो है forests जो है एक type of ecosystem होता है जिसपे different kinds of food chains है वो dependent होती है. जैसे हमने पिछली बार ecological pyramid बताया था, उसमें पैरासाइटिक फूड चेन है, देन देयर इज अ फूटरी फूड चेन, और बहुत सारी फूड चेन्स है. डेट्राइटिस टाइप ऑफ फूड चेन इज ऑल्सो इन दैट एग्जिस्ट इन फॉरेस्ट्स. उसके अलावा अदर सर्विसेज जैसे एस्थेटिक, रिक्रिएशनल सर्विसेज, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट्स, जो मेडिटेशन करने जाते हैं. सो आई वाज सेइंग दैट जो फॉरेस्ट्स का जो रोल है इन एस्थेटिक रिक्रिएशनल सर्विसेज वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. तो अगर आप रिकॉल करेंगे हमने जो इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़े थे तो उसमें हमने जैसे प्रोविजनल सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज एंड कल्चरल एंड एस्थेटिक सर्विसेज पढ़ी थी. तो सारी सर्विसेज का जो है रोल है फॉरेस्ट में, तो उसमें जैसे फ्यूअल, वो टिम्बर वगैरह जो है, हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ, इट इज काइंड ऑफ प्रोविजनल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज. उसके अलावा न्यूट्रंट साइकिलिंग में, वाटर साइकिलिंग मॉडलिश एज अ मॉडलेटर टू द वाटर साइकिल, रिक्रिएशनल, एस्थेटिक, एजुकेशनल सर्विसेज जो फॉरेस्ट जो है वहाँ से मिलते हैं हमें. तो अब
इंडिया का सिनेरियो अगर हम देखेंगे कि इंडिया में क्या है हालत जो है फॉरेस्टर्स की, तो 1995 के आसपास जो फॉरेस्ट कवर था इंडिया का, दैट वाज 19% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज़ अराउंड 329 मिलियन हेक्टेयर्स. तो 329 मिलियन हेक्टेयर्स में उस टाइम 19% ऑफ द एरिया वाज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट्स. बट ड्यू टू सम अफॉरेस्ट्रेशन एंड अदर काइंड ऑफ जो जॉइंट फॉरेस्ट मैकेनिज्म जो अडॉप्ट किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन कंट्री, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है फॉरेस्ट एरिया में. दैट रोज टू अबाउट 21.02% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. तो वो तकरीबन ये जो फिगर है यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर्स में दिखाई गई है, वो जो है मिलता है हमें. तो यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी लैंड को एक फॉरेस्ट कैटेगरी में आने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी भी पैच ऑफ लैंड में 5-6 फॉर ट्रीज रहेंगे एंड देन वी कॉल इट अ फॉरेस्ट. ऐसा नहीं है, उसका कुछ क्राइटेरिया है. तो उसमें फॉरेस्ट की कैटेगरी में आने के लिए किसी भी लैंड पे तकरीबन तकरीबन 10% ऑफ द एरिया शुड बी कवर्ड विद द फॉरेस्ट. अगर फॉर एग्जाम्पल 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड में अगर उसमें 10% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, 10% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय द ट्रीज, तो उसको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं. ट्रीज की जो एग्जाम्पल मैंने पिछली बार भी बताई थी, उसके जो है वुडी ट्रंक होता है, एटलीस्ट 1 मीटर हाइट होनी चाहिए एंड देन इट शुड बी हैविंग लेटरल ब्रांचेस, जो उसका कनोपी बनाते हैं, जो उसका फैलाव होता है. तो उसके बेसिस पे कि डेंसिटी कितनी है किस फॉरेस्ट में, उसके बेसिस पे भी फॉरेस्टर्स को कैटेगराइज किया है बहुत सारे टाइप्स में. जैसे नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है, जिसमें कोई भी जो है फॉरेस्ट जो कैटेगरी में जो ट्रीज आते हैं वो नहीं होते हैं प्रेजेंट. कोई भी ऐसा जैसे ओपन है पूरा, उसमें उसको हम फॉरेस्ट एरिया, या जिसका जो एरिया है लेस देन 10% के उस कैटेगरी में आता है. तो उसके बाद है स्क्रब्स. तो इसमें बेसिकली डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड होता है. जो ही कोई भी एरिया जो होता है उसमें डिफॉरेस्टेशन होती है या कोई अदर नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थक्वेक्स होते हैं या फ्लड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर जो है या ट्रीज वगैरह जो है डिग्रेड हो जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं, एंड देन उसका जो डेंसिटी है कनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होती है, उसको हम स्क्रब कहते हैं. तो ओपन फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जहाँ पे कनोपी कवर तकरीबन 10-40% होती है. तो मीन्स 10-40% ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय द ट्रीज, तो उसको हम ओपन फॉरेस्ट कहते हैं. देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में 40-70%. जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है इसमें कनोपी से जो लैंड कवर होता है दैट इज मोर देन 70%. कनोपी होता है बेसिकली जो ब्रांच होती है ट्रीज की, उनका फैलाव कितना होता है. तो परपेंडिकुलर जो ब्रांचेस, जो बाहर वाली ब्रांचेस होंगी, उसको हम एक परपेंडिकुलर नीचे देखेंगे कितना जमीन वो कवर करता है, उसको कनोपी बोलते हैं. तो हम आगे जाके मैं बताऊंगा आपको एक पिक्चरल डायग्राम में तो कनोपी कैसे मेजर की जाती है. तो ये था इंडिया का सिनेरियो कि फॉरेस्ट कवर कितना है. उसके बाद इंडिया में किस किस टाइप के फॉरेस्ट्स अवेलेबल है, किस क्या एरिया है और किस में कितना परसेंटेज है. फॉर एग्जांपल टोटल फॉरेस्ट एरिया 63, ये तो पुराना डेटा है 1939. आपको बहुत सारी बुक्स में 21% भी मिलेगा एंड 19% भी मिलेगा, बट दिस इज एन ओल्ड डेटा. ये डिपेंड करता है कि हम फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं. अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं देन द एरिया विल इंक्रीज. तो यहाँ पे 63 भी हो सकता है, 67, 68 भी हो सकता है, बट लेटेस्ट वन इज 21%, 68 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. तो इसमें डेंस फॉरेस्ट जो है दैट आर 37.74 मिलियन हेक्टेयर्स, दैट इज अराउंड 11.48% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया. ओपन फॉरेस्ट है 7.7%. मैंग्रोव्स जो हमारे फॉरेस्ट जो हमारे एस्चुरीन्स में होते हैं, ब्रैकिश वाटर में होते हैं मैंग्रोव प्लांट, जैसे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में होते हैं, कोस्टल एरियाज में होते हैं, दैट एट 0.15%. तो अगर हम पर कैपिटा
अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड देखें इंडिया में, दैट इज़ अराउंड 0.1 हेक्टेयर पर कैपिटा। क्या होता है, जितना भी हमारे पास फॉरेस्ट लैंड है, अब फॉरेस्ट लैंड कितना है हमारा, फॉर एग्जाम्पल 63.73 मिलियन हेक्टर्स, इसको हम डिवाइड करेंगे बाई टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया अराउंड 2 बिलियंस के आसपास, तो एक ही हिस्से में 0.1 हेक्टेयर लैंड आ जाएगा, दैट इज़ पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड अवेलेबिलिटी इन इंडिया। तो अगर हम इसको अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे वर्ल्ड में अगर ऑन एन एवरेज है 1 हेक्टेयर पर कैपिटा, अगर टोटल जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट एरिया दैट इज़ 40 बिलियन हेक्टेयर्स डिवाइड करेंगे तो बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो एक बंदे के, एक आदमी के हिस्से में 1 हेक्टेयर लैंड आ जाएगा। बट दिस इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फॉरेस्ट जो है उस पर भी फॉरेस्ट कवर कम है, तो उसकी वजह से जो है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है जैसे कनाडा जिसमें एरिया बड़ा है, या ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, और पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कनाडा में 14.2 हेक्टेयर्स एक बंदे के हिस्से में आ सकते हैं इफ़ वी डिवाइड एरिया ऑफ फॉरेस्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में 7.4, यूएसए में 7.3, तो कनाडा में जो एरिया ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ओपन फॉरेस्ट जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है दैट इज़ अराउंड 77.7% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। स्क्रब्स आर अराउंड 1.26%। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन है, बट जो हमने इससे पहले वाली क्लासिफिकेशन ये बताई थी, तो इसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। देन ओपन फॉरेस्ट आर आवर अराउंड 8.8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मॉडरेटली डेंस आर 9.7 एंड वेरी डेंस आर 2.54। मीन्स कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है बहुत ही कम है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिनकी कनोपी जो है एक्सटेंट है अराउंड 40 to 70% ऑफ टोटल जो एरिया फॉरेस्ट का जो एक्सटेंट होता है कनोपी का। अब ये था इंडिया का। अब वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है, अगर लेटेस्ट फिगर हम देखेंगे 2020 की, तो ये जो एरियाज़ है, तो अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि विच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर, जैसे इसमें अफ्रीका के कुछ पोर्शंस आते हैं, एंड देन दिस आर द नॉर्दर्न अमेरिका जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीनिया, कोलंबिया वगैरह कंट्रीज आती है, तो इसमें ब्राज़ील जो कंट्री है इसमें सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है बिकॉज ऑफ द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इसी के आसपास है, इक्वेटोरियल रीजन है ये, तो यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो उसके अलावा एशिया में बहुत ही कम अवेलेबल है फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पे 100% एरिया कवर्ड बाय द, जैसे यहाँ पे आइसलैंड वगैरह एरिया है, यहाँ पे कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, तो इसमें 100% कवर्ड है ये जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये पूरा डार्क ग्रीन जो है ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। उसके अलावा जो पूरा वाइट है मीन्स दैट इज़ ड्यू टू फॉरेस्ट। तो अगर आप रिकॉल करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, तो मेजर ऑफ द डेजर्ट्स एग्जिस्ट इन दिस एरिया, जो हमारा 30 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटोरियल नॉर्दर्न साइड जो है वहाँ पे फॉरेस्ट, ये जो डेजर्ट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पे जो अरबियन डेजर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर। बट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज उसमें रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ साल में यहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। तो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो रहेगा। तो उसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर जो है किस स्टेट में ज़्यादा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये इट इज़ वन ऑफ द क्या बोलते हैं एंडेमिक साइट्स, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड देन दिस इज़ द वेस्टर्न घाट्स, केरला जो है हमारा वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे मानसून भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है ईस्ट कोस्ट तमिलनाडु, यहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे कश्मीर से लेके यहाँ पे जो आउटर ग्रेटर हिमालयाज है, तो यहाँ पे भी बायोडाइव ये फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये वाला बंगाल वाला रीजन
मिडल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो उसके अलावा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे ये वाले हैं पूरा ग्रीन है, तो इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहते हैं। तो ये जो है ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन इसको बोलते हैं। तो आपके जो है यहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। तो आपके कश्मीर में यहाँ पे टेम्परेट काइंड ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत कम रहते हैं विंटर्स में, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है टेम्परेट काइंड ऑफ वेजिटेशन ये फॉरेस्ट्स होते हैं। उसके अलावा अल्पाइन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं इन लद्दाख रीजन। तो उसके अलावा बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट एक पिक्चरल डायग्राम है कि क्या एक्सटेंट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरियस फॉरेस्ट्स इन इंडिया। अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स एक जनरल कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन, जैसे मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स की कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में भी कुछ टाइप्स है, जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला। देन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, जिसमें लोअर हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, इसमें देहरादून, महाबलेश्वर जो ऊपर वाला एरिया है उत्तराखंड वाला। फिर डैम फॉरेस्ट्स, सुंदरबंस जो बेसिकली कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पर मैंग्रोव्स, जो ये वाली पिक्चर है मैंग्रोव टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, सुंदरबंस, बंगाल डेल्टा, बिकॉज यहाँ पे जो है ब्रैकिश वाटर जो है बहुत अवेलेबल है, क्योंकि रिवर गैंजेस जो है वहाँ पे मिल जाता है इसके साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ। तो अगर आप रिकॉल करते हैं वहाँ पे साल्ट कंसेंट्रेशन इज लेस देन द सी वाटर एंड मोर देन द फ्रेश वाटर, तो उस टाइप के फॉरेस्ट्स वहाँ पे सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट वन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, ये एग्जाम्पल है, एक पिक्चरल एग्जाम्पल है कैसे कर्नाटका एंड केरला में। देन ट्रॉपिकल सेमी दिस टाइप ऑफ, तो ये देहरादून महाबलेश्वर के, जिसमें ज़्यादा कॉनिफर्स होते हैं। देन ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, जिसे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, थॉर्न ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जैसे दिल्ली, पंजाब, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें पाए जाते हैं। देन ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ईस्टर्न घाट्स, जो बेसिकली एक तो वेस्टर्न घाट्स में आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, और ईस्टर्न साइड आपके पाए जाते हैं ट्रॉपिकल ड्राई, बिकॉज उसमें मॉनसून नहीं होता है। साउथ ईस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून जो होती है वो नहीं होती, उसमें नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होती है, जो नवंबर सितंबर के बाद या नवंबर के बाद स्टार्ट होती है, उसमें रेनफॉल बहुत कम होती है। तो फिर मोन्टाना सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, जो उसमें कॉनिफर्स आपका सब ट्रॉपिकल, जैसे शिलोंग, सिक्किम वगैरह, नीलगिरीज हिल्स है यहाँ पे पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश इन कश्मीर में भी, जो पूरा एक्सटेंट है कश्मीर में। विद इन कश्मीर में भी ट्रॉपिकल जो टेम्परेट काइंड ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में पाए जाते हैं। तो आप ये जो है क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि कॉनिफर फॉरेस्ट में जो सब ट्रॉपिकल बोर्ड ब्रॉड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपको एक जो है थोड़ा सा कंसेप्ट रखना है, याद रखना है। तो मैंने वैसे इसमें एक और चीज़ है कि किस टाइप के प्लांट्स और किस टाइप के एनिमल्स है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये और फिर बोरिंग हो जाता। फिर मोन्टाना टेम्परेट काइंड ऑफ फॉरेस्ट्स, जिसमें मोन्टाना वेट टेम्परेट, जिसमें नीलगिरी, पाल्मी हिल्स, हिमालयन वेट टेम्परेट, जिसमें आसाम एंड हिमाचल प्रदेश, और हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, मेनली इन कश्मीर पाए जाते हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट। आपको याद रखना कश्मीर में भी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ, जो अर्स्टवाइल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट थे, तकरीबन 6 ही टाइप है। तो हम आगे जाके वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल जो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट कश्मीर में पाए जाते हैं। फिर सब अल्पाइन फॉरेस्ट, जैसे हाई हिमालयाज, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब्स, ड्राई अल्पाइन स्क्रब्स, सिक्किम, लद्दाख वगैरह में पाए जाते हैं। अब वट आर द प्रॉब्लम्स विद द फॉरेस्ट, तो एज पर जो हमारी
रिकॉर्ड्स है 20th सेंचुरी में, जो लैंड कवर जो फॉरेस्ट का बता रहे थे, तकरीबन 30% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, जो हमने 40 बिलियन हेक्टेयर्स जो बताए थे ये कवर्ड है. बट ग्रेजुअली आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर द अर्बनाइजेशन, जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, एग्रीकल्चर एरियाज को एक्सटेंड किया जाता है इनटू द फॉरेस्ट, दिस एरिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस. तो अप टू 20% जो हमारा अभी मैंने बताया था, 21%, 19%, तो ऑन एन एवरेज आप मानो 20% ऑफ द फॉरेस्ट इज अवेलेबल इन द इंडिया. तो ये हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ जो है स्ट्रेसेस जो फॉरेस्ट पे आ सकते हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर इंडिया इज नाउ रिड्यूस्ड टू कोस्टल वेस्टर्न घास. जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम बता रहे थे, जैसे कर्नाटका, केरला एंड जो महाराष्ट्र के कुछ एरियाज है वहाँ पे जो ट्रॉपिकल हमारे फॉरेस्ट है उसको अब रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. तो ये पर कैपिटा जो है ह्यूज पॉपुलेशन साइज एंड वेरी लो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बहुत कम हो रही है. तो मैं अभी अभी कह रहा था आपको 0.1 हेक्टेयर्स, ये डेटा पुराना है, बट जो वर्ल्ड में है अराउंड 1 हेक्टेयर पर कैपिटा जो फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी है इस टाइम है. इंडिया में 0.1 है, वर्ल्ड में 1 हेक्टेयर पर कैपिटा है. तो एज पर जो नेशनल पॉलिसी फॉर फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी पहली बार 1952 में, उसको फिर से रिवाइज किया 1988 में, उसके बेसिस पे जो प्लेन लैंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल जो प्लेन्स होंगे उसमें फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%, एंड द हिल्स शुड बी हैविंग, जो माउंटेन्स है, हिल्स है, उसमें फॉरेस्ट कवर होना चाहिए तकरीबन 67%. बट ये पॉलिसी बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, पॉलिसी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो गया. तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है ओवरऑल या तो स्टेबल नहीं है या डिग्रेड हो रहा है धीरे धीरे. तो धीरे धीरे जो पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है. तो इसमें एक एग्जांपल है कि ट्राइबल्स को पहले बार उनको बताया गया था कि हम फॉरेस्ट लगाएंगे तो आपसे कुछ हम लेंगे, देन उसमें डिग्रेडेशन ज़्यादा स्टार्ट हो गई. मतलब जैसे अगर किसी को आप दोगे कोई चीज़, वो बताएंगे कि ये हमारा नहीं है, सरकारी है, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे वो. तो उनने क्या किया फिर, फॉरेस्ट कवर कैसे इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 19 to 21%, उसमें उन्होंने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैकेनिज्म यूज़ किया था. उन्होंने ट्राइबल्स को बताया कि ये आपका ही ज़मीन है, आपके यहाँ से भी हम प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, ट्रीज वगैरह लगाएंगे, जो भी उसमें बेनिफिट्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फूड, फाइबर, हनी, जो भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के, उसको हम शेयर करेंगे आपस में. तो उन्होंने ट्राइबल्स को फॉरेस्ट ट्रीज को कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया, जो भी डिफरेंट जो डिग्रेडेड एरियाज पैचेस ऑफ लैंड थे. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द यूज ऑफ फॉरेस्ट, बट जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस डिग्रेडेशंस दैट फॉरेस्ट आर फेसिंग. बट पहले हम बताएंगे कि फॉरेस्ट में क्या क्या यूजेस है, जैसे लोकल कंजेप्टिव यूज है, प्रोडक्टिव यूज है, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं, जैसे लोकल कंजेप्टिव यूज. कंजेप्टिव यूज होता है वो चीज़ जो हम फॉरेस्ट से कंज्यूम करते हैं, तो जैसे लाइक फूड है, रूट्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, फिशेस, मशरूम, एनिमल मीट, जो भी हम फॉरेस्ट से जो है हासिल करते हैं दैट आर लोकल कंजम्पटिव यूज. फोडर फॉर कैटल, जानवरों के लिए जो घास वगैरह है, पास्चर्स वगैरह से हम लेते हैं, वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है. देन फ्यूअल वुड, जो हम जो फ्यूअल के लिए जैसे गर्मियों में हम यूज़ करते हैं, सर्दियों में हम यूज़ करते हैं गर्मी के लिए, इन हमाम्स वगैरह, या फायरवुड जो है अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में यूज़ होता है फॉर कुकिंग पर्पस या फॉर मेकिंग ब्रेड वगैरह, जो यूज़ होता है दैट इज़ फ्यूअल वुड. कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो हम जो भी हम घर में खिड़कियाँ वगैरह बनाते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, दैट इज़ अ कंसेप्टिव यूज़. तो जो हम लकड़ियाँ वगैरह लाते हैं, पोल्स, थैचिंग, लीव्स वगैरह, जो दैट ऑल कम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दैट ऑल कम्स अंडर द कंसेप्टिव यूज. इसको हम प्रोविजनिंग सर्विस भी बोलते हैं इन इकोसिस्टम सर्विस टर्मिनोलॉजी.
देन फाइबर फॉर वीविंग बास्केट्स, रोप्स, नेट्स. तो अगर आपने देखा होगा, ट्राइबल्स अक्सर जो होते हैं बास्केट्स वगैरह, रोप्स वगैरह बनाते हैं. जो ये पूरा जो मटेरियल उनको मिलता है फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, मेडिसिनल प्लांट्स फॉर ट्रीटिंग कॉमन डिजीज. इसमें एक एग्जाम्पल है, एक ट्राइब है कानी ट्राइब करके इन केरला. उनका एक ट्री था जो बहुत ही, उनका जो फ्रूट था वो बहुत ही रिफ्रेशिंग था, उसमें एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा था. तो उसको फिर जो है, बिकॉज ऑफ द वेरियस एजेंसीज, एनजीओज एंड गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स से जो है वहाँ के जो ट्राइबल्स है उनको उसका बेनिफिट देने के लिए उन्होंने उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया. उसका नाम था एरुगप्पा. तो उसको एक इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक उन्होंने जो स्टार्ट किया, वो कल्टिवेट करते हैं वो काइंड ऑफ ट्रीज. तो एक तो वो फॉरेस्ट्स को जो स्प्रेड करते हैं, और उसके अलावा एक तो फूड फाइबर, फोडर वो तो मिलता ही है, बट दे ऑल्सो अर्न द मनी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. जो उनका जो प्रोडक्ट वहाँ से फ्रूट्स निकलता है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको ड्रिंक बनाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको शेयर देती है उसका. तो एक तो वो अदर प्रोविजनिंग सर्विस भी लेते हैं, एंड देन दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम सच काइंड ऑफ. तो एक मेडिसिनल प्लांट्स की तरह या एक फ्रूट प्लांट की तरह वो उनको बेनिफिट कर सकता है. तो ये थे लोकल कंसेप्ट. उसके अलावा जैसे टिम्बर है, हनी है, फ्रूट्स वगैरह है, तो अदर जो ट्रॉफीज वगैरह, जो जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके जो होते हैं हॉर्न्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट से निकलते हैं. एक पूरा एक अलग दुनिया है वहाँ फॉरेस्ट में. हर कोई स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरडिपेंडेंट होती है. अगर फॉरेस्ट में आप रहते हैं, यू शुड बी अडेप्टिव टू अदर स्पीशीज. तो आपको वैसे ही घुलना पड़ेगा वहाँ, जो इतने भी आपको चीज़ें मिलती है उस पर ही गुजर बसर करना पड़ेगा. देन यू विल स्टार्ट लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. उसके बाद प्रोडक्टिव यूज़. प्रोडक्टिव यूज़ होता है वो चीज़ जो हम मार्केट में बेचते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई भी हम अपनी नीड से ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम मार्केट में बेचते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मोस्टली हॉर्टिकल्चर प्लांट्स जो हम ग्रो करते हैं, एप्पल ग्रो करते हैं, तो अगर हम वो एक ट्री हम घर में लगाएंगे तो उसका फ्रूट हम बेचते नहीं है, या तो खुद खाते हैं, थोड़े रिश्तेदारों वगैरह में बांटते हैं. उसको कंसेप्ट यूज़ बोलते हैं. अगर वही ट्री हम बहुत सारे एरिया में लगाए, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, बड़े 1 हेक्टेयर में 5 6 नाल में लगाएंगे, तो उसमें तो है बहुत सारे जो है फ्रूट्स निकलेंगे, टन्स में जो है एप्पल्स निकलेंगे. देन यू सेल इट टू द मार्केट आउटसाइड कश्मीर में, या आउटसाइड कश्मीर, या आउटसाइड इंडिया, जो आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं. दैट ब्रिंग्स द प्रोडक्टिव यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो जैसे हम टिम्बर यूज टिम्बर को एक्सपोर्ट करते हैं फॉर मेकिंग द बोट्स, ब्रिजेस वगैरह, फ्रूट्स एंड फाइबर, हनी, जो है पूरा जो हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं. अपने घर के जो कंजप्शन के बाहर जब हम मार्केट में उसको बेचते हैं, दैट इज द प्रोडक्टिव यूज, इट्स मार्केट वैल्यू होता है. उसके अलावा बहुत सारे जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जैसे पेपर, पल्प, स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर, मैच बॉक्सेस, ये सारा आता है प्रोडक्टिव मार्केट, प्रोडक्टिव और मार्केट यूज वैल्यू. तो ये थे दो टाइप्स. देन लास्ट वन जो हम सर्विस हमें मिलती है इकोसिस्टम से, जिसमें एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, दैट इज बेसिकली अ रेगुलेटिंग सर्विस. सपोर्टिंग सर्विस नहीं है ये, दैट इज अ रेगुलेटिंग सर्विस. सो इरोजन कंट्रोल, दैट इज ऑल्सो ए रेगुलेटिंग सर्विस. वाटरशेड प्रोटेक्शन, फ्लड्स एंड ड्रॉट. तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रेगुलेशन कैसे करता है, जैसे अगर फॉरेस्ट कवर है ज़्यादा है, तो उससे जो है ऑक्सीजन, वाटर वेपर कंटेंट जो है वाटर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, देन विल बी द मोर चांसेस ऑफ द रेनफॉल. तो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मॉडरेट करता है. तो उससे क्या होता है, जब रेनफॉल ज़्यादा होगी तो क्लाइमेट जो है वो भी जो है उसका सुधार हो जाता है. तो ये जो बेसिकली फॉरेस्ट एक्ट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स, सिंक्स मीन्स जो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसकी उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है डिक्रीज हो सकती है, जितना हम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर सकते हैं. तो जितने फॉरेस्ट ज़्यादा रहेंगे, उतना क्लाइमेट रेगुलेशन अच्छा होगा, उतना जो है एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन अच्छा होगा. जो हमारे आजकल हम देखते हैं,
इरेटिक जो वेदर बिहेवियर्स होता है कि सुबह धूप होती है, दोपहर के बाद हेल स्टॉर्म आता है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इरेगुलर वेदर पैटर्न्स। तो एक इंडिकेशन है कि क्लाइमेट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है अभी प्लांट्स ट्रीज पे, एप्पल ट्रीज पे, अगर हेल स्टॉर्म हो गया खुदा ना खास्ता तो वो सारा जो है फ्रूट बिखर जाता है। तो इस टाइप का जो है वेदर को रेगुलेट करना जो फॉरेस्ट्स है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा सॉइल इरोजन, जो ट्रीज होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करते हैं, उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है सॉइल की। एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होता है, सॉइल जो बह नहीं जाती है पानी के साथ, और उसके अलावा फ्लड्स भी लेस फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो उसकी वजह से एक तो सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाता है, देन फ्लड्स भी कंट्रोल हो जाते हैं, और जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, एक तो ग्राउंड वाटर में भी पानी जो है उसमें ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी, एंड उसके अलावा जो है इन लीन सीजन जब रेनफॉल कम होती है वो हम वाटर यूज़ करते हैं कर सकते हैं, तो ड्रॉट लाइक कंडीशंस हम डिक्रीज कर सकते हैं। वाटरशेड प्रोटेक्शन, वाटरशेड प्रोटेक्शन बेसिकली जो वाटरशेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, जो कंटेमिनेंट्स होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं उनका, उसमें बहुत दे एक्ट एज ए बफर्स, जो भी हम पोल्यूटेंट्स यूज करते हैं वो उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल फॉरेस्ट क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट रोड्स के साइड में हम ट्रीज वगैरह लगाते हैं, एक तो उस साउंड को जो है उसकी इंटेंसिटी को कम करता है, उसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं फ्रॉम द व्हीकल्स उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा ही मैकेनिज्म जो है वाटरशेड में भी यूज होता है, जो ये पूरे जो जैसे सॉइल इरोजन कंट्रोल, फ्लड ड्रॉट कर, ये दीज आर कनेक्टेड विद द वाटरशेड प्रोटेक्शन। एक वाटरशेड को कैसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सॉइल इरोजन, फ्रॉम फ्लड्स, और एक वाटरशेड हमने पिछली बार भी डिस्कस किया है, खाली प्लांट्स ट्रीज उस पर नहीं होते, बट देर आर ट्राइबल्स ऑल्सो, कम्युनिटीज भी रहती है वहाँ पे, अदर वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, तो उनको भी जो है प्रोटेक्शन देता है, दे प्रोवाइड एज हैबिटेट टू द वेरियस कम्युनिटीज एंड एनिमल्स। तो उसके अलावा अदर इकोसिस्टम सर्विसेज जो ये मैंने बताया सॉइल इरोजन, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स को कंट्रोल करते हैं। तो उसके अलावा जैसे ऑक्सीजन साइकिल, इसमें जो फॉरेस्ट है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, बेसिकली जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन एंड हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजन होता है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दे रिलीज ऑक्सीजन। तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द ओशंस, और उसके अलावा जिसको हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं दैट इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट्स, दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 20% ऑफ द ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रेगुलेट करने में जो हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में दैट इज अराउंड 21%, हमेशा स्टेबल रहती है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट्स। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, आई गेस कि मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉरेस्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। अगर हम फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट को हटाएंगे देन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, देन दैट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के अपने इश्यूज है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे स्पीशीज जो है उनके लिए वो टेम्परेचर कंजीनियल नहीं होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, हमारी वाटर बॉडीज जो है ड्राई हो जाएंगी, हमारे ग्लेशियर्स जो है रिसीड हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, फ्लड्स ज़्यादा आ सकते हैं, हिल स्टॉर्म ज़्यादा आ सकती है, एंड देन इट क्रिएट्स अ सीरीज, क्योंकि हर कोई चीज़ आपस में कनेक्टेड, देयर इज अ नेक्सस बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो अदर कंपोनेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएंगे, फिश एक्वाटिक जो हमारे लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये पूरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, तो फॉरेस्ट्स जो प्लांट्स हैं हमारे तो वो उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ये लास्ट वन है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करता है फॉरेस्ट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स, दे एक्ट एज अ सिक्वेस्टर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सिक्वेस्ट्रेशन होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज को होल्ड करना, जैसे ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वुड, तो वो वुड हम यूज करते हैं फॉर फर्नीचर वगैरह, तो वो हमेशा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जब तक हम उसको
जो है कंबशन में जो है नहीं लाता है, जैसे फायरवुड वगैरह, तो जब वो जलता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो दे एक्ट एज अ सिंक फॉर द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ थे यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट्स।